नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जून महीने की 30 तारीख खत्म हुई, लेकिन अब भी अकोट के तरोडा परिसर में दमदार बारिश का किसानों को इंतजार है। बारिश ना होने की वजह से किसानों पर दोबारा बुआई का संकट पैदा हो गया है। इस परिसर के किसानों ने कपास और मूंग की 70% बुआई कर चुके हैं, दमदार बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तरोडा के किसान अमोद दामोदर ने बताया कि 2 दिन पहले उसने अपने 5 एकड़ खेत में कपास के पीक की पैरनी पूरी की है और अब भी बारिश ना होने की वजह से पीक को बचाने के लिए स्लीपर के द्वारा पीक को पानी दिया जा रहा है ताकि पीक को बचाया जा सके। अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो दोबारा बुआई का संकट हम पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अकोला जिले में ही बारिश तबाही भी मचा रही है और भारी बारिश की वजह से कई हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है। यह भी कुदरत की एक अनोखी मिसाल है। एक ही जिले में कहीं सूखा तो कहीं गीले की वजह से किसान चिंतित हैं। माझना सारंगदर जोंधरा सावळे आहे। मी 15 दिवस झाले वावरात पेरणी केली, पण पावसाचा पत्ताच नाही। आता ना इलाजाने ते बोरचं पाणी राहावं लागलं, तर बोरचं पाणी काही भावात पुरत नाही। 2 माणसं आज 250-250 रुपयाची 500 रुपये रोज द्यावं लागते, तरी त्या पाण्यानं काही फरक नाही पडून राहिला। आता तुम्ही सांगा आम्ही काय करा, या शेतीले पैसा लावा की घरी पैसा खर्च करा। किती एकरात आहे? 14 एकर पराठी आहे। 14 एकरात पराठीला आता किती दिवस पाणी द्या? 15 दिवस झाले पाण्याचा थेंब नाही। आम्ही काय करा,